सो हे गाइस, दिस इज जीआरवी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शो यू अ स्मॉल वीडियो क्लिप, सो लेट्स सी। सो आप लोगों को एक आदमी दिख रहा होगा स्कोप ताने हुए एक बोबकैट का शिकार करने की कोशिश करता हुआ, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कुछ सेकंड्स एम करने के बाद उस बंदे ने ट्रिगर दबाया, गोली बंदूक से निकली और बोबकैट पे लगी, बोबकैट वहीं पे मर जाती है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या इस आदमी ने बहुत ही अच्छा काम किया एक बॉबकैट को मार के, उसका शिकार करके? ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और सबसे पहला और हाई रेटेड कमेंट है ये, मैन हाउ कैन यू शूट सच अ ब्यूटीफुल क्रिएचर लाइक दैट, व्हाट अ शेम। भाई साहब, उस बंदे ने क्लियर बोल रखा है कि आखिर कोई आदमी कैसे एक ब्यूटीफुल क्रिएचर को मार सकता है, यानी कि ब्यूटीफुल क्रिएचर बोले तो सुंदर प्राणी। व्हाट अ शेम, क्या ही बकवास है यार, शर्म की बात है भाई, शर्म करो। ठीक है, उसने क्लियर बोल रखा है, और इस कमेंट को 11,000 लोगों ने लाइक किया है, तो कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा उन पे इस कमेंट का, कुछ तो ओपिनियन सही दिया होगा इस बंदे ने, तभी तो 11,000 लोगों ने इसको लाइक किया और 400 लोगों ने रिप्लाई किया है इस कमेंट का। तो 400 लोगों ने जो रिप्लाई किया है ना, वो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कैसा कैसा रिप्लाई मिला है इसको। तो इस बंदे के रिप्लाई में सबसे हाई रेटेड कमेंट है ये, पॉपुलेशन कंट्रोल। भाई क्या ही बोलूँ मैं यार, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। अबे यार, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जानवरों को मारना जरूरी है क्या? वो तो बेचारे अपने जंगल में जाके रह रहे हैं, उनसे तो नेचर पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा। पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो आदमियों की करो ना यार, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी ना, ऐसे लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रकृति पे नुकसान होगा, क्योंकि हम पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन भी करते हैं और बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिससे नेचर को अफेक्ट पड़ता है, लेकिन जानवरों का क्या इफेक्ट है भाई? वो तो अपने रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं यार, उनको क्यों मारना? भाई मारना है तो अपने घर वाले को मार दे फिर, हैं? तू खुद भी तो मर सकता है, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो। सॉरी, मैं ये बात भावनाओं में बह के बोल रहा हूँ, ऐसी कोई मेरा मोटिव नहीं है किसी से बोलने का। ठीक है, मेरा जवाब यही है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो भाई प्यूपल्स ह्यूमंस की करो, ना कि जानवरों की। ठीक है ना, क्योंकि इंसान समझदार भी है, वो समझेगा भी कि भाई एक बच्चा पैदा करो, दो बच्चा पैदा करो, ऐसे नियम बनाओ, वो समझ जाएगा। लेकिन भाई जानवर क्या है यार, वो तो जानवर ही क्यों कहलाएंगे जब उनके पास दिमाग इतना होगा तो। क्या ही बात करते हैं यार लोग, कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं यार। और सेकंड कमेंट जो उस कमेंट के रिप्लाई में आता है वो होता है, ही हैज बैंड फ्रॉम स्कूल ग्राउंड। अरे भाई भाई भाई, मैंने कोई ये बताओ कि अगर इस जो बॉब कैट है इसको अगर स्कूल ग्राउंड से हमने बैन कर दिया तो इसको जंगल में भी नहीं रहने दिया जाएगा, जंगल में भी हम इसको ठोकते फिरेंगे, मारते फिरेंगे, हैं भाई? स्कूल ग्राउंड से बैन है, जंगल से बैन नहीं है, फॉरेस्ट में वो रह सकती है भाई, उसका घर है फॉरेस्ट। अबे यार कैसी कैसी बात करते हो यार, स्कूल ग्राउंड में घूम रही है क्या वो? भाई कुछ भी ना मिलेगा, कुछ भी तो कुछ भी टाइप करके बस सेंड। भाई दो वर्ड बोलने में और काम करने में बहुत अंतर है भाई। ठीक है, तू भी ऐसे लिख के जा रहा है ना कि ही हैज बैंड फ्रॉम स्कूल ग्राउंड, ये गोली इसकी जगह तू मार के देख ले भाई, अगर तेरे में हिम्मत है तो भाई। ठीक है, दिल भाई कांप जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि अगर दिल कांपता तो इस बंदे का दिल क्यों नहीं कांपा जिसने इसको शूट किया? तो भाई कोई भी पहले ऐसा नहीं था, यानी कि कोई भी अपने माँ के पेट से क्रिमिनल बन के या शिकारी बन के पैदा नहीं होता। ठीक है, यह सिंपल बात, हम लोग एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं। तो इस बंदे ने शूट किया, किसी हमने देखा, हमने लाखों लोगों ने देखा, उसमें से कम 1,000-2,000 लोग अफेक्टेड होंगे, इससे अफेक्ट करेगा, क्योंकि उनको लगेगा भाई यार कितना मज़ा आया होगा इसको ये बंदूक चलाते हुए, यार कैसे शूट किया इसने, काश मुझे भी ऐसी बंदूक मिल जाए और मैं भी शूट करूँ। भाई बहुत सारे लोगों की यही सोच होगी, तो उसी को देख देख के दो चार लोग ट्राई कर भी देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही बिगड़ते हैं लोग, ऐसे ही हमारे दिमाग में आती हैं बाहर की बातें और हम जान ले लेंगे किसी बॉबकैट की या फिर अदर एनिमल की। ठीक है, तो इससे बचे हैं यार, वो भी जानवर हैं यार, उनके भी दर्द होता है भाई, दर्द होता है, समझो इस बात को। और इसी कमेंट के रिप्लाई में एक और आदमी ने कुछ बोला है, और वो क्या बोल रहा है पता है? उसने बताया पूरा फॉर्मूला कि भाई एक रिफिल थी, उस पर स्कोप लगा था, एक पाइप था, मतलब ऐसे उसने गन के पार्टिकल का नाम बताया कि भाई इसमें ये था, और एक स्कोप था जो उस बॉबकैट के हेड पे सेट था, उसने ट्रिगर दबाया, गोली निकली, बॉबकैट फिनिश। मतलब उसने पूरा तरीका बताया है, पूरा मेथड बता दिया
कि कैसे गोली चली, कैसे बंदा वो बोबकैट मरी। वो मजाक समझ रहा है इस बात को, क्योंकि सामने वाले बंदे ने ये बोला था ना कोई कैसे मार सकता है, तो वो बता रहा है कि भाई ऐसे मारते हैं। अबे भाई सही में मेरे मुंह से गाली निकल रही है, लेकिन मैं गाली दूंगा नहीं, ठीक है। तो भाई तू ये मजाक चल रहा है क्या? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, तुम उसको खेल बना रहे हो। इफ आई सपोज दैट कि इस बोब कैट की जगह कोई तेरे घर का व्यक्ति होता, कोई फैमिली से पर्सन होता, अगर उसमें ऐसे कोई गोली मारी जाती, फिर तू वहाँ जाके पूछता कि भाई इसको किसने मारा, कैसे मारा, और वहाँ पे कोई बंदा खड़ा हो और वो बोले भाई एक बंदा था उसके हाथ में बंदूक लगी थी, उसने स्पोक ताना और थोड़ी देर तक वेट किया, उसने शूट कर दिया, कैसा लगेगा भाई? हैं, अच्छा लगेगा कि वो साहब कहानी बताएगा कि भाई ऐसे करके उसने स्कोप ताना, उसके हाथ में ट्रिगर दबाया, बंदूक चली, गोली, मर गया बंदा, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा भाई, नहीं अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगता, तो उस बॉब कैट की फैमिली को भी अच्छा नहीं लगा होगा, ठीक है ना। तो बाद बाकी फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। और भाई आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ कि इस चैनल का मोटिव किसी के साथ वॉयलेंस करना नहीं है, ना कि किसी ह्यूमन के साथ, ना किसी एनिमल के साथ, ठीक है। इस चैनल का मोटिव है सभी लोगों से प्यार करना, ह्यूमन से भी और एनिमल से भी। तो हम वही आपको दिखाएंगे कि किसने किसके साथ क्या किया, और आप लोगों का ओपिनियन मांगेंगे, ठीक है। और जितने भी लोग इस हंटर की प्रजाति से आ रहे हैं, जिसने इसको शूट किया बॉब कैट को, तो वो प्लीज़ भाई आप लोग यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने गलती से सब्सक्राइब कर लिया हो तो हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, टेक केयर, बाय बाय।